बीजेपी का पूरा प्रयास पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है सबने, मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर वन में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है, जो SP मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर BD शर्मा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है और सब जगह-जगह, ये अब कहें क्या? मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गई कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? सर कई जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? कलेक्टर सागर से बहुत सारों से हुई, कल से हो रही है। हाँ मैंने कलेक्टर से बात करी, SP से बात करी, सबसे बात करी, वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, तब मैं चेक करता हूँ। सर चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, मगर नरोत्तम जी कह रहा है कि कांग्रेस यदि जीतती है या वोट आम जनता डालते है कांग्रेस को तो खुशी पाकिस्तान को होगी। ये देखिए नरोत्तम मिश्रा खुद जीत ले पहले, तब वो पाकिस्तान की बात करें। उनकी हालत क्या है ये पता चलाइए। सर CM शिवराज ने आगे का रोड मैप बताया है कि कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, उसका रोड मैप भी उन्होंने तैयार कर लिया है, वो एक तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी इस सप्ताह में लेने वाली है। मैं देखूंगा कौन सा रोड मैप है, अगर उनका रोड मैप विकसित कह रहे समृद्ध मध्य प्रदेश, देखिए समृद्ध मध्य प्रदेश कहें क्या, ये शिवराज सिंह की तो तारीफ करते नहीं, शिवराज सिंह का चेहरा बनाने, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में शर्मा रहे, अभी तक शर्माया, अभी तो बड़े ताज्जुब की बात है कि किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना छोड़िए इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम चुनाव के बाद तय करेंगे। शिवराज जी आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बंबई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि लाडली बहना भारी तादाद में वोट कर रही है बीजेपी, हम देख लेंगे ना 3 तारीख को, 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे, ठीक है। BD शर्मा जी कह रहा है कि हैंडहोल्ड होगा कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह के पद पर। क्या सर BD शर्मा जी कह रहा है कि क्लीन होल्ड होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बेटे? अब देखिए ये तो 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, हाँ कौन क्लीन बोल्ड हुआ कौन रन आउट हुआ सब बात सामने आ जाएगी। JP नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना राम से प्यार है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सच्चाई का चुनाव है और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं BD शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें हैं। सर एक आखिरी सवाल था, नए भोपाल में कई बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं है, क्या आप अभी बात करेंगे? काफी जगहों पर मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर पूरे प्रदेश में मुझे जानकारी होगी, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं BJP के वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति है, सब बड़े खुश हैं, सब बड़े जोश में। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी तो 150 का दावा कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं? आप मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए बहुत हो गया।